जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आप जिसका अपमान कर रहे हैं उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी या बद्दुआएं? कोई संत ही होगा जो ये कहे कि भगवान इसे सद्बुद्धि दो, वरना आप किसी को सताएंगे, चींटी को सताइए, हाथी को सताइए, कुत्ते को सताइए, तो वो आपको आशीर्वाद। अब आप किसी का गला काटें, आप किसी को तलवार से मारें, मुर्गी को पका के खाएं, मछली को पानी से निकालें, तो मछली आपको आशीर्वाद तो ना देगी कि जा भैया तेरा भगवान भला करे। बेचारी तड़पेगी तो बद्दुआएं निकलेंगी ना। तो जब आप किसी को भी सताते हैं, आप अपने पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, राह चलते किसी को, जब आप किसी को सताते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो वो आपके लिए बद्दुआएं देता है। मैंने आपका क्या, अब देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मुझे कोई गाली दे, अपमानित करे, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन फिर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जिसे गाली दी, आपने जिसे सताया, उसका गुनाह क्या था, ये तो बताओ। चलो आप राह चलते किसी आदमी को गाली दे दो, एक थप्पड़ मार दो, तो आप थप्पड़ मार के भूल जाएंगे, गाली दे के भूल जाएंगे, पर जब मरेंगे, चलो नहीं भी मरेंगे, तो कभी ना कभी आपसे हिसाब लिया जाएगा कि क्यों भाई फलाने को आपने मारा था, क्यों मारा था, क्या गलती की थी उसने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। छोड़ो, कई लोगों का आपने देखा होगा, कुत्ता जा रहा होता है, कुछ लोग कुत्ते को पत्थर फेंक के मार देते हैं, पत्थर जाके टांग में लगता है और बेचारा वो लंगड़ा होते हुए कहीं कहीं करता हुआ भागता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कभी कि भाई उस कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे पत्थर फेंक के मारा। हाँ, यदि वो आपको देख के भौंक रहा होता, वो आपको काटा होता, उसने आपका कुछ बिगाड़ा होता, तो बात समझ में आई थी कि चलो हिसाब हो गया, पर उसका कोई अपराध नहीं था और आपने बिना अपराध के उसे मारा, और जब मारा तो आप पाप के भागीदार बन गए। इसलिए तो कहा है दुर्बल को न सताइए। बोलो मेरे संग, दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। दुर्बल को ना सताना कभी, गरीब को, असहाय को, लाचार को, बेबस को कभी ना सताना, वरना उसके अंदर से जो तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाएगी ना, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, उन संत का जो ध्यान में डूबे थे, भगवान के चिंतन में, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था परीक्षित जी का, पर परीक्षित जी को एटीट्यूड आ गया, क्योंकि उनके सिर पर कलयुग सवार था परीक्षित जी के। अच्छे राजा थे परीक्षित जी, पर कलयुग खोपड़ी में चढ़ जाए तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, है ना। अपमान क्या किया, मरा हुआ सांप गले में लपेट दिया, क्या बिगाड़। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि संत जी ने आपका क्या बिगाड़ा था। आप लोग भी कई बार बिना सोचे विचारे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे विचारे किसी का दिल दुखा देते हैं, एक बार सोच लिया करो। आप तो बोल के निकल जाएंगे, कहकर आगे बढ़ जाएंगे, आप भूल भी जाएंगे, पर जिसके लिए आपने बोला है क्या उस बेचारे को नींद आएगी, क्या उसका दिन अच्छा गुजरेगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमसे हमारे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे। यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो किसी को हम दुखी क्यों करें। हम तो देखो चींटी को भी दुखी नहीं करना चाहते, चींटी हम रास्ते से चलते हैं, धोखे से पांव रख जाए तो रख जाए, वरना यदि दिख जाती है तो पांव बचा के रखते हैं चींटी पर, मतलब रखते नहीं, मतलब वो निकल जाए पहले, फिर अपन रख लेंगे या बगल में रख लो। अपराध
क्यों हो, क्यों करें? परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, गले में सांप डाला, उन्होंने श्राप दे दिया। उनके पुत्र श्रृंगी जी ने, लो भैया 7 दिन में मरने का। ऐसी रावण ने किया, रावण ने एक कन्या का अपमान कर दिया, नाम था वेदवती। हिमालय में एक सरोवर में तपस्या कर रही थी कन्या, ब्रह्मा जी की पुत्री, जो भगवान श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थी, राम को अपना पति रूप में देखना चाहती है। राम ही मेरे पति बने, हे राम आप मेरे पति बनो। राम को पति रूप में चाहने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तभी रावण चला गया। और रावण ने देखा, वाह बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। रावण तो रावण है, कामी है, सुंदर सी स्त्री को देखता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। और उसने वेदवती की आज्ञा लिए बिना, उसकी उनकी मर्जी जाने बिना, रावण ने उनके बाल पकड़ लिए और बोला चलो लंका ले चलते हैं तुम्हें। वेदवती ने अपने बालों को छुड़ाया और रावण को श्राप दे दिया, रावण तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मेरी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया है, जा तूने मेरी मर्जी के बिना तूने मुझे सताया है। अब देखो ये सताना ही तो है, मैं ध्यान लगाए बैठूं और कोई मेरे बाल पकड़ के खींचने लग जाए, ये सताना नहीं है। और वो भी एक स्त्री को, और वो भी गलत भाव से, गलत नजरिए से, ये सताना ही तो है। तो रावण ने पकड़ लिए बाल, सताया, तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम लंका में राज करोगी, तुम्हें रानी बना के रखेंगे। उसकी तो यही डायलॉग थे उसके। अब रावण ने सब ये जब कहा तो माता वेदवती ने श्राप दे दिया, रावण तूने मेरी मर्जी के बिना मुझे स्पर्श किया है, तूने मेरी तपस्या भंग की है, तूने मेरा अपमान किया है। मेरी तपस्या पूरी होने वाली ही थी कि तूने बिगाड़ दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू बड़ा लंका का राजा बनता है, बड़ा अधिपति बनता है, जा एक नारी की बद्दुआएं तुझे श्राप देती हूं, तूने एक नारी का दिल दुखाया है, तूने एक स्त्री का दिल दुखाया है, तूने एक पतिव्रता स्त्री पर गंदी नजरें रखी हैं, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सर्वनाश हो जाएगा और सर्वनाश की वजह भी मैं ही बनूंगी। वही वेदवती जब राम जी का वनवास हुआ और 14 वर्ष के लिए राम जी निकले, तो जब राम जी के 13 वर्ष बीत गए तो राम जी ने माता सीता से एक दिन चुपके से कहा कि हे सीते, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, रावण इत्यादि दुष्ट हैं, उनका अभिमान तोड़ना चाहता हूं, तुम थोड़े दिन के लिए अग्नि में चली जाओ, तुम पृथ्वी पुत्री हो तो थोड़ा अग्नि में जाके तुम बास करो, मैं थोड़ा रावण इत्यादि दुष्टों का नाश कर देता हूं, तुम रहोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, तुम देखोगी ना जैसे बेटे का ऑपरेशन होता है ना, तो बाप कह देता है मां से तुम जरा बाहर रहो, तुम देख ना पाओगी ना, भाई बच्चे की चीरा फाड़ी डॉक्टर करेगा तो मां ना देख पाएगी, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में किसी को जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सब चीजें आप और हम देख नहीं सकते, चीरा फाड़ी। तो राम जी बोले रावण का ऑपरेशन करना है, उसके अभिमान का, तो सीता तुम मां हो ना, तुम्हें दया आ सकती है, मां तो देखो बच्चे पर दया कर लेती है, बच्चा कितना भी बड़ा अपराधी हो, दुष्ट हो, नालायक हो, पर बच्चा तो बच्चा है ना, मां दया कर लेती है। और यही तो राम जी को इस बात का डर था कि कहीं सीता रावण पर दया करके कहीं उसे क्षमा ना कर दे, और यदि सीता मां ने रोक लिया
तो राम जी की ताकत नहीं है कि उसे मार सके जैसे सीता मां ने शरण दी है। जैसे सीता मां ने शरण दे दी उसे राम नहीं मार सकते। जैसे राधा रानी ने शरण दे दी उसे भगवान श्री कृष्ण मार नहीं सकते, उनका सुदर्शन काम ना करेगा। तो राम जी समझ गए कि रावण को मारना है तो पहले सीता मां को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो राम जी ने सीता मां को अग्नि में वास करा दिया। कहां वास कराया? आप अग्नि में वास करो। जब लो करो निशाचर नाशा, तब लो करो अग्नि में वासा। जब हम रावण का नाश करेंगे आप अग्नि में वास करो। उस समय माता सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और वही वेदवती जिनके बाल पकड़ के रावण ने अपमान किया और जिनकी तपस्या रावण ने बिगाड़ी, भगवान राम ने कहा कि तुम हमें पति रूप में चाहती थी तो पति रूप में पूरा पूरा तो हम ना मिलेंगे, पर हमारी पत्नी का थोड़ा सा आप अभिनय कर लो इस जन्म में। तो वही वेदवती माता सीता बनकर आ गई और रावण ने जिन सीता मां का हरण किया वो असली सीता नहीं थी, असली तो अग्नि में वास कर रही थी, वो जो सीता थी वो वेदवती नकली सीता, सीता मां का अभिनय करने वाली एक वेदवती मां का हरण रावण ने किया। चूंकि वेदवती ने कहा था कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी, तब उनके श्राप को भी तो सत्य करना था। तो रावण ने उन सीता का हरण किया और जब उन सीता को चुरा करके रावण ले गया तो वेदवती का हरण जब हुआ तो रावण ने कहा था, फिर बाद में रावण वेदवती मां के चरणों में गिरा कि आपने श्राप दे दिया अब क्या। तब वेदवती मां ने कहा कि तू जिस नारी का उसकी मर्जी के बिना हरण करेगा यदि वो तुझ पर कृपा दृष्टि डाल देगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए जब माता सीता का हरण किया रावण ने और अशोक वाटिका में रखा रावण ने, तो सीता मां से बार बार वो यही कहता था। रावण रोज राम सीता मां के पास जाता था, बताया आपको, रावण रोज जाता था अशोक वाटिका और सीता मां से कहता था एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो। देखिए जरा माता सीता ऐसी थी कि रावण की तरफ उन्होंने एक बार भी देखा नहीं। देखिए पतिव्रता नारियां भारत में कैसी हुआ करती थी, एक बार भी माता सीता ने पराए पुरुष की ओर नजर उठाकर नहीं देखी। ये माता सीता का चरित्र है। रावण क्या कह रहा, एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो, देख लो, देख लो, एक बार ना, एक बार भी नहीं देखा माता सीता ने और मर्जी के बिना उठाकर ले आया। माता वेदवती का श्राप था ही कि तेरे विनाश का मैं कारण बनूंगी, रावण का सर्वनाश हो गया। तो हम आपको केवल ये समझा रहे थे कि अब फिर जब राम जी ने रावण को मारा और आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, वो तो माता सीता अग्नि में गई थी तो अग्नि से वापसी ली, अग्नि में प्रवेश था माता सीता का साल भर के लिए, तो अब वापिस अग्नि से आई, तो अग्नि से वापिस आई है वो, जिसे आप लोग कहते हैं भगवान राम ने माता सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, वो अग्नि परीक्षा नहीं है, वापसी है, उसे लोग कहते हैं। ठीक है, अपने अपना हिसाब से लोग कहते हैं। तो हम केवल ये कह रहे हैं कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को सताते हैं, तो उसके अंदर से जो बद्दुआएं निकलती हैं वो आपका नाश कर सकती हैं। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लो, इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। मनसा वाचा कर्मणा, बोलो मन से, जोर से, मन से, वाणी से, कर्म से।
ना तो अब बोलना नहीं है समझना, ना तो मन से किसी के बारे में गलत सोचो, मनसा वाचा, ना तो वाणी से किसी के लिए गलत बोलो। जय श्रीमन्नारायण। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर।